नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर मोहाना मंडी में और आज हम जानने वाले हैं प्याज और आलू के ताज़ा अपडेट बेदी फ्रूट कंपनी नरेंद्र भाई से आज की ताज़ा अपडेट लेने वाले हैं। क्या बिका है सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है और क्या तेज़ी मंदी आ सकती है सभी जानकारी होने वाली है। तो लाइक करें, शेयर करें, तो चलिए जान लेते हैं ताज़ा अपडेट। कैसे हो नरेंद्र भैया? बढ़िया जी, बढ़िया भाई साहब। तो क्या बाजार खुला है? क्या बढ़िया सर, मैं भी। क्या बाजार खुला है सर? बाजार सेम पोजीशन मानो जी, बिक्री आज चलो है प्याज में सर, आलू में भी और प्याज में भी। आलू की 65 गाड़ी है, 65 गाड़ी में 25 गाड़ी बैलेंस मानो, ओनली 35-40 गाड़ी बिक्री है। अच्छा जी, अच्छा। यही प्याज में हालात है, बढ़िया माल है, जो मांसाखोरी माल है वो एक के दुक्के लाड़ बिक जाते हैं, फिर उनको व्यापारी कहता है 22-23 बेचो, 22-23 की बिकनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर माल बिके 20-21 के जी, 20-21 से ज्यादातर बिके हैं। हाँ, मांसाखोरी जो जो भाई मनी पसंद आ गया वो तो 25 के भाव दे देगा। बिल्कुल, हाँ जी, 24-25 भी बिका है पर वो एक दो लॉट होते हैं, एक दो लॉट होते हैं, वो भी 25-30 कट्टे का लॉट होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो सर क्या बाजार रहने वाला, किस हिसाब से रहेगा सर, जिस हिसाब से तेजी का माहौल बनता है बाजार? भाई साहब पीछे भी कोई टूटने में नहीं है, पीछे भी सेम बाजार 2-3 दिन से कंटिन्यू एक भाव चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ भी यही भाव खुल रहा है, मंदा कोई व्यापारी बेच नहीं दे रहा ना, यहाँ बेच रहे हम भी भाई, व्यापारी के बिना तो हम बेच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि गाड़ियाँ दोबारा से भरवानी पड़ेगी हमें भी। बिल्कुल, सर 21-22 वाला जो प्याज है वो ग्राहक 19-20 में लेने के लिए तैयार बैठा है पर वो नहीं बेच पा। सबसे बड़ी बात, आप आज की तारीख में आप अपन सोचते हैं 24-25 रूपए बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 24-25 में आड़त लगा के 2700 पड़ता है। बिल्कुल सर, आगे उनकी भी नहीं बिका 300 पर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बाजार 4-5 रूपए और चढ़ते हैं, 27-28 की यहाँ बिकेगी तो उनको 40 की बिक जाएगी फिर। बिल्कुल, अभी उनका भी सेम वो नहीं बिकने वाला है, यही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे मान लो अगर बात करें MP इंदौर की, वहाँ पे भी 2500 बिका है कल सर ऊपर में वो नहीं, 2500 सब झूठ है, 2280 रुपए एक लोड बिका है। अच्छा जी, पूरी इंदौर मंडी के अंदर, रतलाम मंडी बिके 2180 रुपए, हमारे पास सारी रिपोर्ट है, नीचे बिके ज्यादातर माल बिक रहे हैं 15 रुपए लेके 17 रुपए के लगातार हवाई बना रहे हैं कि जैसे 2500-2400 ये सब हवाए हैं, कोई एक ट्रोली एक्स्ट्रा सुपर होगी उसका कोई भाव नहीं है जैसे मंडी है। अच्छा जी, चार लोड बगे, चार लोड के ऊपर मंडी नहीं चलती है। बिल्कुल, लोड होते 400, चार लोड के ऊपर आप मंडी को देख लो भैया, वही 400 नग में से एक नग बिक गया वो तो हवा हो जाती है, आज इंदौर मंडी में ये भाव बिक गया। पर अभी जो एवरेज भाव है वो 2100 रुपए तक का है सर? नहीं जी, 2100 भी नहीं है। अच्छा, रतलाम मंडी, उज्जैन मंडी हुई आपकी, इंदौर मंडी हुई है, ज्यादातर माल बिके 15 से 18-19। अच्छा जी, अच्छा, जो VIP एक्स्ट्रा सुपर है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ क्या, अपने यहाँ की बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर जो पोजीशन है, मांसाखोर के दुक्के लाट ले जाते हैं वो 24-25 है, जो अपनी मर्जी ले जाए। वैसे बाजार सेम बाजार 19 से 22 रुपए, 22-23 भी है। अच्छा जी, सर चोपड़ा की बात करें, चोपड़ा कैसा? चोपड़ा बिक रहा जी 10 रुपए से लेकर 14 रुपए तक, क्योंकि चोपड़ा में ज्यादा पकड़ है सर, क्योंकि होटलों को 20-22 वाले चलेंगे नहीं। बिल्कुल, उन्हें चोपड़ा सूखा मिल जाए 13-14 वाले भी 15 रुपए पड़ जाए, साफ सुथरी प्याज। बिल्कुल साफ सुथरी तो है ही नहीं। बिल्कुल सर, हाँ जी, अभी चोपड़ा जो है बढ़िया कंडीशन में आ रहा है, चोपड़ा जो आ रहा है बिल्कुल सूख के आ रहा है। बिल्कुल, इस समय मौसम में सुधार हो चुका है, दागी हो नहीं रही है, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर। सही कह रहे हो। तो सर जैसे साउथ की बात करें तो साउथ के प्याज में क्या पोजीशन बन रही है अभी? अभी रोज की रोज एक रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे बरसातें हुई थी, अब मौसम साफ है वहाँ भी। अच्छा जी, लेकिन फसल निकलेगी। अच्छा, जब पता लगा क्या है, क्या कंडीशन है, ये हमारा आइडिया ये 30-35% बुआई हुई है, पीछे बातें हुई है मेरी, लेकिन इतनी फसल नहीं है, और आए भी तो गई तो 1.5 महीने बाद। बिल्कुल, वहाँ चालू भी होता है, आज 1 महीने बाद चालू होती है, तो 15 दिन तो वहीं की वहीं रह जाएगी वो। बिल्कुल सर, हाँ जी, हाँ जी। सर बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अभी जैसे मौसम भी खुल गया है हर जगह पे, इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही, हाँ जी, हाँ जी, तो जो प्याज की कंडीशन खराब होने को थी वो ठीक ठाक सुधर जाएगी सर? अभी सुधार है, तो जो माल अधिकतर हल्के माल थे वो मेरे ख्याल से और 10 दिन में निकल जाएंगे। बिल्कुल, अब जो स्टॉक में माल पड़ा है वो बड़े बड़े स्टॉक में पास पड़ा है, चाहे किसानों के पास पड़ा है, बिल्कुल वो मौजूद पड़ा है, वो 35-40% मानो जी। अब जो आ रहा है मंडी में मैंने भी देखा है, बढ़िया कंडीशन लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। सामने प्याज लगा है वो भी बहुत बढ़िया, जो शानदार लगा हुआ है,
वो जूट में आ रहा है जो माल, वो सभी अच्छे आ रहे हैं। जूट में तो अपनी पैकिंग होती है, नासिक में ट्रोली आती है जी, अपनी मर्जी होती है जाली में करवाओ चाहे जूट में करवाओ, वो तो माल के ऊपर है। जूट में फिर भी ठीक, जूट में क्या है ठंडा रहता है, अलग ही रहते हैं उसमें, बताओ हो जाता है बिल्कुल। जाली में क्या गर्माश बन जाती है, लंबी दूरी के लिए ये लोडिंग बढ़िया होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन स्टॉक की बात, मेरी बात सुनो, जो 40% है जो बड़े स्टॉक स्टॉक कर जाल लगा रखे है उसमें 5-10% जो जालों के पास लगती है ना चोपड़ा बन जाता है, बिल्कुल वो 5-10% है, बढ़िया माल रहेगा 30-35%। अच्छा जी सर। वो बाजार अभी हमारे पास कम से कम भी 3 से 3.5 महीने पड़े हैं। अच्छा जी। तो व्यापारी को किसान को कहीं भी दूर दूर तक घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। 1-2 रुपए बाजार क्या तेजी होने पर बाजार रुक जाता है, बिक्री स्लो हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाजार टूटने में नहीं जाएगा, प्लस ही होगा, बिल्कुल। तो घबराए नहीं, 1-2 रुपए प्लस ही रहेगा बाजार, बिल्कुल, माइनस नहीं जाने की संभावना। सर अभी जैसे निर्यात की बात करें तो निर्यात कैसा है? निर्यात तो मैंने बताया था आपको कि भाई जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है जिनके पास भाई जिनको डिमांड पीछे है भाई 200 गाड़ियां पूरी करनी है और उनके पास मंडी हो गया सब 100 गाड़ियां इकट्ठी हो गया तो वो तो स्पीड भाव बढ़े चाहे ना बढ़े, उनको तो गाड़ियां पूरा स्टॉक देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, 200 गाड़ियां स्टॉक पूरा करने के बाद ही होगा। मंडियों में आप भरपूर आवक है, पीछे आवक भी भरपूर है सर, डिमांड भी भरपूर है, इतना ही एक्सपोर्ट वालों की डिमांड है, इतना ही मंडियों की डिमांड है, बिल्कुल बिल्कुल। आज अपने पे सोच लो जी, हमें पता है कि कल को 2 रुपए और बढ़ेगी, आज बिक्री स्लो है बिल्कुल, लेकिन 2 रुपए आगे आने वाले में मंदा नहीं है पीछे, बिल्कुल। तो 2-3 गाड़ी तो 8-3 सोच रहे व्यापारी निकलवा के चले, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी, सेम पोजिशन यही है, मंदा होने की कोई संभावना नहीं है और कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। यानी एक अंदाजा कहाँ तक लगा सकते हैं अगस्त में, अगर अगस्त देखो जी अंदाजा तो मैं जो जैसे पर डे एक बढ़ रहा था पिछले हफ्ते से, बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2 दिन से भाव सेम खुल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 20-30 का बाजार इस हफ्ते में, इस महीने में हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा 20-30 का कन्फर्म, 15 तारीख तक 25 का टारगेट आराम से हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 25 का वैसे तो बिकने लग गया है सर, 25 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी क्या जो घाघ ले जा रहा है 25 वाला 2700 पड़ के 300 बिक रहा है, बिल्कुल। यही 2 रुपए और बढ़ जाता है पीछे, बाजार बढ़ेगा तो 2 रुपए हमें बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल। और 24-25 रुपए के ज्यादा माल बिकने लगे तो सीधा ऑटोमेटिक मानो 40 रुपए की उनकी परचून में बिकेगा, बिल्कुल। वहाँ परचून में 40 भाग लेने लगे तो यहाँ बिक्री बढ़ जाएगी। मथानिया का प्याज है वो कब तक आएगा सर भोपाल? मथानिया अभी कम से कम 2 महीने निकलेंगे जी, माल उनके पास ही भरपूर है। अच्छा जी, अपने राजस्थान के अंदर अभी भी माल 30-40% है। अच्छा जी, जिसमें 15-20% हल्का है और 20% एक्स्ट्रा सुपर है। अच्छा, जो एक्स्ट्रा सुपर वाले तो रोक के लाएंगे, भाव उनको भी दिख रहा है कि दिन पे दिन बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो वो तो आराम से स्लो करेंगे, लेकिन बाजार ऐसे ही सीमित रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, घटेंगे नहीं, बिल्कुल। घटने की कोई संभावना नहीं है, बढ़िया माल वालों को तो घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सर। हाँ जी, बात करें सर अभी जैसे आने वाली जो फसल है उसके बारे में किसानों को क्या कहना चाहोगे? आने वाली फसल तो अभी बुआई होगी, निकलेगी, क्या होगा, जब पिछले साल जलेबी रोग आ गया था, आगे क्या बीमारी रहेगी, क्या है सब, कितनी बुआई होती है, कितनी निकलेगी और क्या बीमारी फैलती है, अगर बीमारी नहीं फैलती तो क्या फायदा? वो बातें तो मैं नहीं कर रहा, मैं ही कह रहा हूँ कि कितनी लगाएं किसान, ज्यादा लगाएं कम लगाएं? नहीं नहीं, ज्यादा क्योंकि भाव देख के हो सकता है ज्यादा लगा। देखो आज तेजी का माहौल बन रहा है, बिल्कुल, 2 रुपए किसान को मिल रहा है, बिल्कुल। हम तो कहें और बढ़िया मिले और आने वाले किसानों जो बुआई करेंगे उनको भी बढ़िया मिले, लेकिन वो लिमिट में, सब अपने पास 5 बीघा जमीन है तो 5 से 7 करो, बिल्कुल बिल्कुल। वो 15-20 पे ना पहुंचे बुआई, किसी का भी हम खेत लेते हैं बुआई के लिए, उन्हें भी तो वो देना पड़ता है पैसा, मुआवजे कुछ भी देना पड़ता है, बिल्कुल। तो उस पर ना छोड़े अपने अपने उस 1 बीघे पे जमीन में ध्यान दे, जितना हो सके उतना लिमिट में करे, और लिमिट में माल रहेगा तो हर मंडिया टाइट रहेगी, बिल्कुल। अभी जो प्याज है नासिक का है, नासिक की फसल भी अभी 1 महीना लेट हो गई, बिल्कुल सर। जो नई फसल आएगी वो दिसंबर में आएगी, बिल्कुल। जो नवंबर में आती है वो दिसंबर में आएगी। रही गोंडल की, गोंडल भी 15-20 से 1 महीना लेट हो गई, क्योंकि जो बुआई हुई थी अभी 10-15 दिन पहले वो ज्यादा बरसात के कारण बह गई, खत्म हो गई सर। हाँ जी हाँ जी, जो नवंबर में आती थी वो दिसंबर में आएगी जब, बिल्कुल। महुआ भावनगर कोई का भी कोई इलाका नवंबर के एंड में चालू होगा, बिल्कुल बिल्कुल। यानी 1 महीना तुमको एक्स्ट्रा मिल गया, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी, तो अपना लिमिट से लगाए जो भी फसल लगाए, आलू वालों को इधर भी मौका है उधर भी मौका है, 1 महीना तो उधर की फसल लेट, प्लस में हमने लिमिट में चलेंगे तो भाव बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, 2 रुपए मजदूरी बढ़ेगी, जो पिछले साल नहीं हो सका जो सपने में रह गया वो सपना आपके पूरा हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। नोटों की गाड़ियां भर भर के लेके जाएंगे, बिल्कुल सर। हाँ जी हाँ जी, आलू की क्या पोजीशन, कितनी गाड़ियां? आलू की सेम पोजीशन 65 गाड़ी है, बिक्री बहुत स्लो है, 40 गाड़ी बिकेगी
और 20 से 25 गाड़ी बैलेंस बचेगी। अच्छा जी। जो बढ़िया माल है वो सुबह सुबह मासाखोर ले जाते हैं, हल्के माल को कोई पूछ नहीं है। ठीक है जी। बढ़िया माल की वही पोजीशन मानो जी 11 से 12.5 रुपए, हल्के माल 9-10-8 रुपए किसी भाव बिक जाए। ठीक है बिल्कुल सर। आज 65 गाड़ी है, 65 गाड़ी में 10 गाड़ी बढ़िया मानो, 55 गाड़ी एवरेज माल है। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जी 870-88-71-652 नरेंद्र वेदी फूड एंड कंपनी A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद। ओके सर। ओके।